कुछ अर्ज बेहतर भी है और जरूरी समझता हूँ कि हम तमाम हज़रात मिलजुल कर आका इनामदार मदनी ताजदार दारो आलम के मालिक मुख्तार बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा शफी और मुजलमीन रहमतुल आलमीन ताजदार आबू अजम शहंशाह दो आलम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार आली वकार में बड़े ही अदब और एहतराम के साथ बाआवाज़ कलम झूम झूम कर दरूद पाक की डालियां छा बराबर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मेरे सरकार के दर से हवा आ जाएगी, जब मेरे सरकार के दर से हवा आ जाएगी, जो मरीज इश्क है उनकी दवा आ जाएगी। जब मेरे सरकार के दर से हवा आ जाएगी, जो मरीज इश्क है उनकी शिफा आ जाएगी। मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन। मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत चल के खुद कर्बला आ जाएगी। मुंतजिर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत चल के खुद ही कर्बला आ जाएगी। वरना जन्नत चल के खुद ही कर्बला आ जाएगी। जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहां होती है महफिल वो घर हुसैन का है, जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, और जहां पर होती है महफिल वो घर हुसैन का है। हजारों सर हैं जिन्हें नमाज बचाती है, हजारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, और नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। हजरत इकरामी आवाज दें तो जन्नत से कौसर निकल पड़े, ये शान है इमाम हुसैन की। आवाज दें तो जन्नत से कौसर निकल पड़े, और नहरे फरात खेमे के अंदर निकल पड़े। हुसैन की तिश्नगी एक राज थी वरना, हुसैन की तिश्नगी एक राज थी वरना, उंगली जमीन पर रखने समंदर निकल पड़े। हुसैन की तिश्नगी एक राज थी वरना, उंगली जमीन पर रखने समंदर निकल पड़े। उंगली जमीन पर रखने समंदर निकल पड़े। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन रब का, हुसैन सबका, वो खुशकियों का, समंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत अदा ना होती, खुदा के घर में अजा ना होती। ये उन्हीं का सदका है और हम उन्हीं का सदका खा रहे हैं, और इमाम हुसैन के सदके में आज हम खुदा सुना सुना हुए हैं। हजरत गिरामी हुसैन वो इंकलाब लाया, वका की ऐसी किताब लाया जिसका उनवान है शहादत, और शहीद जिंदा है ता कयामत, शहीद जिंदा है ता कयामत। हजरत इकरामी कल हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का जिक्र हुआ,
हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद इब्न ज़ियाद मर्दूद ने कूफा के गली बाजारों में मनादी करा दी, ऐलान करा दिया कि जो भी मुस्लिम के बच्चों को पकड़ के लाएगा उसे इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, और जिसने भी मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादों को पनाह दी उसे कत्ल कर लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत इकरामी इब्न ज़ियाद के ऐलान से कूफा वाले डर गए, खराश हो गए हजरात गिरामी। लेकिन जो यजीदी कुत्ते थे, जो लालची कुत्ते थे, उन शहजादों की तलाश में ऊंचे ऊंचे गली गली फिरने लगे। हजरात गिरामी हजरत काजी शरीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु कमली वाले आले का गुलाम था, मुहिब अहले बैत था, आशिक रसूल था, जिनके घर पर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे आराम वजीद थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर जब हजरत काजी शरीफ रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह उनकी आंखें अश्कबार हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए और हसरत की नजर से दोनों शहजादों को देखने लगे। दोनों शहजादे कहते हैं, ऐ बाबा जान आप हमें हसरत भरी निगाहों से क्यों देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम यतीम हो गए हैं? ऐसा तो नहीं है कहीं हम लावारिस हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे सर से साए पैदरी उठ गया है? अल्लाहु अकबर। हजरत काजी शरीफ की आंखों में आंसू हैं, आंखें अश्कबार हैं, दोनों शहजादों को सीने से लगा हैं और कहते हैं, शहजादों तुम यतीम हो गए हो, तुम लावारिस हो गए हो, तुम्हारे सर से साए पैदरी उठ चुका है। अल्लाह अल्लाह इतना ही सुनना था, वो दोनों शहजादे आपस में गले लगकर रोने लगते हैं, आहुजारी करने लगते हैं, कहने लगते हैं, ऐ अब्बा जान आप हमें अकेला छोड़कर चले गए हैं, अब हमें मदीना शरीफ कौन पहुंचाएगा? हम यहाँ बेसहारा है, यतीम है, मजलूम है, बेकस है, कोई पनाह देने वाला नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई गमगुजार नहीं है, कोई गमगुजार नहीं है, अब हमें मदीना शरीफ कौन पहुंचाएगा? हजरत इकरामी रो रहे हैं, इसी रोने की हालत में दोनों शहजादे बेहोश हो जाते हैं। हजरत काजी शरीफ पानी की छिड़ी उनके शहजादों के चेहरे पर डालते हैं, दोनों शहजादे होश में आते हैं, फिर रोने लगते हैं, आहुजारी करने लगते हैं, कहते हैं, अब्बा जान आप हमें तन्हा छोड़कर चले गए हैं, बेसहारा छोड़कर चले गए हैं, अब मदीना शरीफ कैसे पहुंचेंगे? आप रोते हैं, काजी शरीफ कहते हैं, ऐ शहजादों रो मत, आवाज नहीं करो, इब्न ज़ियाद के कुत्ते तुम्हारी तलाश में दरबार दरबार घूम रहे हैं, तुम्हें तलाश कर रहे हैं, तुम खामोश हो जाओ। इतना ही सुनना था कि दोनों शहजादे खामोश हो जाते हैं। खामोश हो जाने के बाद काजी शरीफ कहते हैं, आज की रात कूफा से एक काफिला मदीना शरीफ जा रहा है, हम तुम्हें किसी भी तरह से वहाँ पर किसी नेक वक्त इंसान के हाथ में सुपुर्द कर देंगे, उनके ज़िवा हिफाजत मदीना शरीफ पहुँच जाओगे। हजरात गिरामी रात का वक्त आता है, काजी शरीफ अपने बेटे असद को बुलाता है और कहता है, बेटा असद आज कूफा से काफिला मदीना शरीफ जा रहा है, तुम दोनों शहजादों को किसी नेक वक्त आदमी के सुपुर्द कर देना ताकि ये बाहिफाजत मदीना शरीफ पहुंच जाएं। हजरत इकरामी काजी शरीफ आखिरी बार दोनों शहजादों को सीने से लगाते हैं, कदम बोसी करते हैं, दस्त बोसी करते हैं, प्यार करते हैं और 50-50 दिरहम दोनों शहजादों की कमर में बांध देते हैं, कान खाना रख देते हैं, असद से कह देते हैं, जाओ इन दोनों शहजादों को ले जाओ। हजरत इकरामी काजी शरीफ के बेटा असद दोनों शहजादों को लेकर कूफा के दरवाजे पर पहुंचता है, मालूम होता पता चलता है काफिला भी थोड़ी देर पहले ही गुजर चुका है। अल्लाहु अकबर। असद कहता है, शहजादों देखो वो गर्दे काफिला उड़ गई है, जाओ दौड़कर कि काफिले में शामिल हो जाओ। हजरत गिरामी दोनों शहजादे दौड़ते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, एक गिरता है, दूसरा उठाता है, दूसरा गिरता है, पहला संभालता है। अभी थोड़ी ही दूर भागे थे कि क्या देखते हैं कि गर्दे काफिला गायब हो गई है। अल्लाहु अकबर। दोनों शहजादों की आंखें अश्कबार हैं, कहां जाएं, किधर जाएं, कोई पनाह देने वाला नहीं है, कोई गमगुसार नहीं है, हम बेसहारा हैं, मजलूम हैं, बेकसी का आलम है, कोई गमगुसार नहीं है, गमख्वार नहीं है, रात का अंधेरा है, तारीकी है, कहां जाएं? लेकिन दोनों शहजादे भागते जाते हैं, सारी बरात भागते हैं, पांव में छाले पड़ गए हैं, बदन चूर चूर हो रहा है, लेकिन भागते जा रहे हैं। जैसे ही सुबह का उजाला तुलू होता है, सुबह की फूंक फूटती है, सुबह का उजाला तुलू होता है, सूरज थर्राता हुआ निकलता है, क्या देखते हैं, यहाँ चले थे वही पहुंच गए हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इकरामी दोनों शहजादे बेचैन बेकरार हैं, अब क्या किया जाए? इतना ही सोच रहे थे कि यजीदी कुत्ते जो इनाम की तलाश में निकले हुए थे, इनाम की लालच में निकले हुए थे, उनकी नजर उन शहजादों पर पड़ जाती है। सबना आवाज में बोलते हैं, तुम यहाँ हो, हम तुम्हें कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, उनको पकड़ ले जाते हैं और इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश कर देते हैं। हजरत इकरामी इब्न ज़ियाद मर्दूद दोनों को जेल की कोठरी में बंद करने का हुक्म फरमाता है और कहता है कि जेल के दरोगा से कह दो
कि दिल के दरोगा से कह दो कि इन्हें निगरानी करें और यजीद का जो भी हुक्म आता है उस पर आगे अमल किया जाएगा। हजरत इकरम दिल का यह दरोगा था, उसका नाम मशहूर था, वो कमली वाले आका का गुलाम था, मुहब्बे अहले बैत था, आशिक रसूल था। उसने दोनों शहजादों को देखा, कदमों में गिर गया, कदम बोसी की, दस्त बोसी की और अर्ज की, अहले बैत अत्हार, घबराओ नहीं, हम दीन कमली वाले आका के गुलाम हैं, हम आशिक रसूल हैं, अहले बैत अत्हार के घर के गदागर हैं, मुहब्बे अहले बैत हैं, घबराओ नहीं, दोनों शहजादों को सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, बार सवारते हैं। भागते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, रास्ता पत्थर है, अनजाना रास्ता है, चारों ओर जंगल नजर आ रहा है, रात का वक्त है, दोनों शहजादे भागे जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पैरों में छाले जिस्म में चकना चूर हो रहा है, चूर चूर हो रहा है, लेकिन भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हजरात गिरामी, अभी सुबह का उजाला फिर से तुलू होने वाला था, ये सोचने लगते हैं कि हम शहादत गाह से दूर निकल आए हैं, कूफा से दूर निकल आए हैं, जैसे ही सूरज थर्राता हुआ निकलता है, क्या देखते हैं, यहाँ से चले थे फिर वहीं वापस आ गए हैं। अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू जारी हैं, बेचैन बेकरार हैं, कोई परेशानी हाल नहीं है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, दुश्मन तलवार सर पर लगाए हुए हैं। अल्लाह अकबर, क्या किया जाए, इतने में क्या देखते हैं, एक गैया बह रहा है, उसके सामने एक खो है, दोनों शहजादे खूह में जाकर के बैठ जाते हैं, ख्याल करते हैं जब रात का वक्त होगा तो यहाँ से निकल जाएंगे। हजरत इकराम के दोपहर का वक्त होता है, एक कहीं से लोंडी एक खादमा उस मरिया में पानी भरने के लिए आती है, पानी भरने के लिए जैसे ही झुकती है, क्या देखती है कि दरिया में दो साए नजर आते हैं, पीछे पीछे कर देखती है कि तरक तरक कोह पर दो शहजादे एक दूसरे से लिपटे हुए बैठे हैं। हजरत इकरामी को भी जान जाती है कि ये शहजादे हजरत मुस्लिम बिन अकील रजियल्लाहु तआला अन्हु के फर्जंद हैं, उन्हीं के शहजादे हैं। पास जाती है और कहती है, शहजादो नीचे उतरो। शहजादे एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, ना जाने कौन है, बेवफा है कि वफादार है, गद्दार है कि गमखार है। दोनों शहजादे एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, वो कनीज फातिमा कहती है, घबराओ नहीं शहजादो, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की खादिमा हूँ, मैं उनके घराने की गदागर हूँ। ऐ शहजादो नीचे उतरो, मुझे दुश्मन ना समझो, मुझे खादिमा समझो, मुझे बेवफा मत समझो, मुझे वफादार समझो। इतने में दोनों शहजादे नीचे उतरते हैं, दोनों शहजादों को वो खादिमा सीने से लगाती है, बड़े का हाथ पकड़ती है, छोटे को गोद में उठाती है और अपने मलिक के घर ले जाती है। हजरत गिरामी, उसकी मलिका जो थी वो भी आशिक रसूल थी, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की गदागर थी, उनकी फातिमा थी, उनकी लौंडी थी। दोनों शहजादों को देखा, कनीज ने कहा, ऐ मलिका, ये वो शहजादे हैं जिन्हें माल के मालिकार कहा जाता है, ये कासमे जन्नत हैं, नबी के नवासे हैं, अली के शहजादे हैं, इधर गौर से बतूल हैं, मुस्लिम बिन अकील रजियल्लाहु तआला अन्हु के फर्जंद हैं। इतना ही सुनना था वो मलिका हाथ उठाया है, पैर को माथे से लगाती है, चूमती है और दोनों शहजादों को सीने से लगाती है, प्यार करती है और कहती है, कहां हमारा घर, रात रात मां के लखते सिगर, कहां हमारा गरीब खाना, कहां अहले बैत का घराना। अल्लाह हू अकबर, दोनों शहजादों को सीने से लगाने के बाद दोनों शहजादों को घर के अंदर ले जाती है, दोनों शहजादों को गुस्ल कराती है, कपड़े पहनाती है, नहलाती धुलाती है, हजरत इकरामी खाना खिलाती है, खाना खाने के बाद पानी पिलाती है, फिर एक कोट उन दोनों शहजादों के बिस्तर पर लगा देती है। दोनों शहजादे लेट जाते हैं, थके हुए थे, हारे थे, रात भर का सफर किया था, जल्दी ही नींद आ गई। हजरत गिरामी गिरामी का शहजाद नींद नहीं आई, उस घर की मलका जो है हवा करती रही। जब वो शहजादे सो गए, खादिमा से कहा, इन शहजादों की खिदमत करती रहना। हजरत गिरामी इधर वो शहजादे आराम फरमा है और उधर इब्ने ज़ियाद को मालूम हुआ कि जेल के दरोगा मशहूर हैं, जो है दोनों शहजादों को भगा दिया है, मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहीं भगा दिया है। हजरत इकरामी जेल के दरोगा मशहूर को बुलाया जाता है, हजरत मशहूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्ने ज़ियाद के दरबार में हाजिर होते हैं। इब्ने ज़ियाद कहता है, वो बच्चे कहाँ हैं? हजरत मशहूर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वो बच्चे मदीना शरीफ पहुंचने वाले होंगे। अल्लाहू अकबर। इब्ने ज़ियाद मर्दूद कहता है, ऐ जेल के दरोगा मशहूर, तुझे मेरा खौफ नहीं है?
यह मेरा डर नहीं है। हजरत मशकूर जो आज रसूल था, गुलाम अहले बैत था, कहता है मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूं, खुदा पाक से डरता हूं, इश्क मुस्तफा मेरे दिल में है, वह पहले पहले मेरे दिल में है, इब्न ज़ियाद ज्यादा है, क्यों ऐसा तूने क्यों किया। अल्लाहु अकबर। हजरत मसीह मसीह अल्लाह ताला ने फरमाते हैं वो बच्चे यतीम है, लावारिस है और परेशान है, यतीमों की मदद करना और बेकसों की गमखारी करना, हमदर्दी करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल करना है। और ऐ ज़ियाद, तू उनका कसूर क्या है, उनका गुनाह क्या है, उन्होंने कौन सा जुर्म किया है, तू जो उन्हें कत्ल करना चाहता है, यही है ना उनका जुर्म। मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, इमाम हुसैन के भतीजे हैं, नवासे रसूल हैं, शहजादे के शहजादे अली हैं। ऐ इब्न ज़ियाद, तुम्हें उनका कत्ल करके क्या मिलेगा, तुझे क्या फायदा होगा, सुन क्या मिलेगा, आने दुनिया की आने वाली नस्लें कयामत तक लानत में रहेंगे, जहन्नम की आग मिलेगी, लोग तेरे नाम पर थूकेंगे। अल्लाहु अकबर। उत्ते उत्ते क्यों कर रहा है, मुझे मालूम है यज़ीद की गैर इस्लामी हुकूमत को कायम करने के लिए कर रहा है, उन्होंने मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल कर लिया है, अब इन शहजादों का कत्ल करना चाहता है। याद रख, दुनिया की आने वाली नस्लें तुझ पर लानत भेजती रहेंगी, कर तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा, लेकिन इमाम हुसैन का नाम आज भी लोग ले रहे हैं, कल भी लेंगे और कयामत तक लेते रहेंगे, इमाम हुसैन का नाम जिंदा हमेशा रहेगा। हजरत इकराम, इतना ही कहना था कि इब्न ज़ियाद कहता है तुझे उसे भगाने में क्या हासिल हो गया। हजरत मशकूर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे खुदा की रहमत मिल गई है, मुस्तफा की शफाअत मिल गई है, मुझे खुदा की रहमत मिली है, मुस्तफा की शफाअत मिली है। हजरत मशकूर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ऐ इब्न ज़ियाद, तुझे उनको कत्ल करने में क्या मिलेगा। अल्लाहु अकबर। इब्न ज़ियाद खामोश होता है। हजरत मशकूर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ऐ इब्न ज़ियाद, मैं बताऊं तुझे क्या मिलेगा, दुनिया की लानत मिलेगी, दुनिया तेरे नाम पर थूकेगी, जहन्नम की आग मिलेगी, कल कयामत के मैदान में सबके सामने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रुस्वा होगा। इतना ही सुनना था। अल्लाह अकबर। इब्न ज़ियाद जल्लादों को हुक्म देता है हजरत मशकूर को 500 कोड़े लगाए जाएं और इसके बाद सरतन से जुदा कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी हजरत वो जल्लाद यजीद जल्लाद हजरत मशकूर रजी अल्लाह तआला अन्हु कोड़े मार रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाई ये उस आशिक रसूल पर मुस्कुरा रहा है, कुर्बान जाई उसकी आशिक रसूल पर गोया गोया यही कह रहा था, हरी हरी साथ तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी हरी साथ तमन्ना अभी जली तो नहीं, इश्क की आग है दिल में अभी बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा सवारों की, जफा की तेग से गर्दन वफा सवारों की, कटी है सरे मैदा मगर झुकी तो नहीं, कटी है सरे मैदा मगर झुकी तो नहीं। हजरत इकराम इतना ही कहता है, कोड़े पूरे हो जाते हैं, वो जल्लाद हजरत मशकूर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर एक ऐसा वार करते हैं, आपका सरतन से जुदा हो जाता है, आप जाम शहादत नोश फरमा लेते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत गिरामी इधर हजरत मशकूर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है जाम शहादत नोश फरमाते हैं, उधर हजरत मुस्लिम बिन नकीर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस घर में आराम फरमा थे उस घर को अपना जाय पनाह समझ रहे थे, जाय अमान समझ रहे थे, अल्लाहु अकबर, हमदर्द समझ रहे थे, गमगुसार समझ रहे थे, गमख्वार समझ रहे थे। हजरत गिरामी दोनों शहजादे दुनिया से बेखबर, मौत से बेखबर आराम कर रहे हैं, इसी असना में उस घर का मालिक जालिम हारिस आ जाता है। अल्लाहु अकबर। घर में दाखिल होते ही कहता है ना जाने इब्न ज़ियाद से उन बच्चों को गिरफ्तार करके कौन लाएगा जो इब्न ज़ियाद से इनाम लूटेगा, इनाम वसूल करेगा, मैं तो इन्हें पूरे शहर कूफा में तलाश रहा लेकिन मुझे तो कहीं नहीं मिले, खुदा जाने इब्न ज़ियाद से कौन इनाम लूटेगा। आज उसकी बीबी हारिस की बीबी जन्नती औरत सब सुन रही थी, अल्लाह उसकी आंखें अश्कबार हो जाती है, ये मेरा खाविंद है शहजादे रसूल को पकड़वाना चाहता है, माल दौलत हासिल करने के लिए इन्हें गिरफ्तार करवाना चाहता है, कत्ल करवाना चाहता है। अल्लाहु अकबर। वो मलका कहती है उस घर की मलका उसकी बीवी कहती है वो कितने बदबخت हैं जो नबासे रसूल लेकर गौशो रसूल अली के प्यारों को गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद से नाम लूटना चाहते हैं, माल लूटना चाहते हैं, इन्हें दुनिया में नाम मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी, लेकिन ये एक ना एक दिन मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत में उसे लानत भी मिलेगी, जहन्नम की आग भी मिलेगी। अपने शोहर से कहती है तुझे क्या मिलेगा, तुझे गिरफ्तार करवा देगा, उसे पकड़वा देगा,
मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा। सारे दुनिया के लोग लानत भेजते रहेंगे। वो अपनी बीवी को झुकार देता है और जाकर के बिस्तर पर लेट जाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी लेट जाता है, रात का वक्त होता है, दोनों शहजादे आराम फरमा रहे होते हैं। छोटा शहजादा जो है ख्वाब में अपने वालिद मोहतरम हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखता है। अर्ज करता है, अब्बा जान, आप हमें छोड़कर कहां चले गए हैं? यहां कोई हमारा गुज़ार नहीं है, हम दर्द नहीं है, पनाह देने वाला नहीं है, दुश्मन सर पर तलवार लटकाए हुए हैं, आप कहां चले गए हैं? हमें मदीना शरीफ पहुंचाएगा। इतने में आंख खुलती है, आंख खुलती है तो अपने वालिद मोहतरम हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गायब पाता है, रोने लगता है और उजारी करने लगता है। इतने में बड़ा शहजादा हो जाता है, वो भी देखता है, वो भी रोने लगता है, आप उजारी करने लगता है। ये रोने की आवाज जालिम हारिस के कानों तक पहुंचती है। वो उठता है, अपनी बीवी से कहता है, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी सहम जाती है, कहीं ऐसा ना हो, सोचने लगती है इस जालिम को पता चल जाए। वो कहती है, लेट जाओ, मुझे मालूम नहीं कहां से आ रही है, कहीं और से आ रही होगी। हजरत गिरम लेकिन वो नहीं मानता है। वो जालिम हारिस उठता है, चिराग रोशन करता है और उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां से आवाज आ रही होती है। चिराग रोशन करके उस कोठी की तरफ जाता है। वो बच्चों को देखता है जो आपस में गले लगे हुए रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वो जालिम हारिस कहता है, तुम लोग कौन हो? वो शहजादे मुस्लिम बिन अकील के फरजंद जिसे अपनों लगाम इसने अपना जान पनाह समझ रहे थे, गम गुसार समझ रहे थे, हम दर्द समझ रहे थे। वो शहजादे कह देते हैं, हम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे हैं। इतना ही सुनना था, अल्लाहु अकबर, जालिम हारिस कबूल हो जाता है और उन दोनों शहजादों की ज़ुल्फ़ें पकड़ता है और कह रहा है, तुम्हारी तलाश में शहर का कोना कोना छान मारा, ऊंचा ऊंचा छान मारा, तुम मेरे ही घर में आराम कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। शहजादों की ज़ुल्फ़ें बनी को पकड़ता है, बाहर हंसता हुआ लाता है। अल्लाहु अपने नबी के नवासे हैं, अली के शहजादे हैं, इनका कसूर क्या है? मैंने थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ी सी दौलत मिल जाएगी, वो तो फना हो जाएगी। वो चीज करो जो हमेशा हमेशा बाकी रहनी है। इनके कदमों में गिर जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, माफी तलब कर लो, सबर जाएगी, वरना आने वाले नस्ल तुम पर लानत भेजती रहेंगे। वो अपनी बीवी को धिक्कार देता है। इतने में लोग कहती है, ऐ शहजादों, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम बलाए मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हो। ये जालिम जालिम लेकर जा रहे हैं। अल्लाह और कल कयामत के दिन मैदान महशर में नाना जान की बारगाह में रस्म मत होने देना। ऐ शहजादों, मुझे माफ कर दो। हजरत इब्राहिम को जालिम हारिस तलवार उठाता है, उन दोनों खातून को वही वही का खात्मा कर देता है। अल्लाह और उन दोनों शहजादों को घसीट हुआ नहर फरात के किनारे लाता है। अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी तलवार को हाथ में लेता है और कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन कुर्बान जाइए अली के शहजादे पर। हजरत गिरामी ग्यारह बेटा आगे आ जाता है, इसका नाम मोहम्मद था। वो कहता है, जालिम हारिस, पहले मुझे कत्ल कर दे, पहले मुझे शहीद कर दे, मैं अपने छोटे भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ, पहले मुझे कत्ल कर दे। छोटा भाई आगे जाता है और कहता है, जालिम हारिस, पहले मुझे कत्ल कर दे, मैं अपने बड़े भाई का ऐसा नहीं देख सकता। अभी यही यही तू चल रही थी कि वो जालिम हारिस मर्दूर इब्ने ज़ियाद याद करता, अल्लाह हु अकबर, तलवार का सब बार बार आ है और भोले भाई का सर तन से जुदा कर देता है। जालिम हारिस और बड़े भाई का सर तन से जुदा कर देता है। भाई की लाश जमीन पर गिर पड़ती है। छोटा भाई रोने लगता है, अर्ज करता है, भाई जान, अब हम अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? अब हमें मदीना शरीफ कौन पहुंचाएगा? क्या हम बेबस हैं, मज़लूम हैं, बेसहारा हैं, कोई मददगार नहीं है? अब हमें मदीना शरीफ कौन पहुंचाएगा? इतना ही कह रहे थे। जालिम हारिस छोटे भाई का भी सर तन से जुदा कर देता है। दोनों शहजादे जाने शहादत नौश फरमा लेते हैं। अल्लाहु अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत गिरामी इधर दोनों शहजादे जाने शहादत नौश फरमाते हैं, उधर हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खत जो है हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुंचता है। और हजरत गिरामी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस खत को पढ़ते हैं, मक्का मुअज्जमा से कूफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। हजरत इकरामी कूफा का सफर अभी तय करते हुए कुछ ही दूरी पर आए थे। एक कासिद आता है इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस कासिद से हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पूछते हैं। वो कासिद पर कासिद अर्ज करता है, ऐ इमाम हुसैन आली मकाम, ऐ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन कूफा के बेवफा लोगों ने, यज़ीद के कुत्तों ने, इब्न ज़ियाद के चमचों ने तुम्हारे भाई हजरत
مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی سنا تھا کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قاسم ان شہزادوں کا کیا حال ہے جو قاسم عرض کرتا ہے امام حسین علی مقام ان شہزادوں کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں۔ آپ خیمے میں تشریف لاتے ہیں، حسرت بھری نگاہوں سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت وہ شہزادی عرض کرتی ہے، اے چچا جان، اے امام حسین علی مقام، آپ ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بھائی ہم ایسا تو نہیں، ہم یتیم ہو گئے ہیں، لاوارث ہو گئے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس شہزادی کا گود گود آتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں، شہزادی آج سے میں تیرا چچا بھی ہوں اور تیرا باپ ہوں، تمہارے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ اتنا ہی سنا تھا وہ شہزادی رونے لگتی ہے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہوش آتا ہے، اٹھتی ہے، عرض کرتی ہے، چچا جان، اے امام حسین علی مقام، میرے بھائیوں کا کیا ہوا ہے؟ امام حسین علی مقام فرماتے ہیں، اے پیاری بیٹی سکینہ، جب بھی تمہیں اپنے پیارے بھائیوں کی یاد کرا تو میرے علی اکبر کو دیکھ لینا، میرے علی اکبر کو دیکھ لینا، ان ظالموں نے تمہارے بھائی کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، شہزادوں کی شہادت کی خبر جب اہل بیت اطہار نے سنی، اہل بیت اطہار میں کہرام رام ہو گیا۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، ابھی تو ہمیں اس میں بڑا اور امتحان دینا ہے۔ حضرات گرامی، قافلے کو حکم دیتے ہیں، قافلے آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ جب قافلہ منزل سے دو میل دور پر رہ جاتا ہے تو حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ 1000 سپاہ کے ساتھ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، ابن زیاد نے جو ہے آپ کو مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے حر، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، کوفی والوں نے خطوط لکھے تھے، دیکھو یہ سینکڑوں خطوط ہیں، ان کی بنا پر میں کوفہ جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ دارالعلوم کا حصار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، امام حسین علی مقام، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ حضرات گرامی، اسی اثناء میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر کی اذان ہوتی ہے، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے ہیں، حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے ابتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرات نماز ادا کرنے کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے امام حسین علی مقام، رات کی تاریخ میں اب آپ نے قافلے کو کہیں اور لے جائیں، میں اپنے سپاہ کو واپس لے جاتا ہوں، لیکن قربان جائیے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر، ان کی عظمت پر آپ قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم فرماتے ہیں۔ یہ بزدل نہیں ہیں، یہ علی کے شہزادے ہیں۔ فرماتے ہیں قافلہ آگے بڑھایا جائے۔ حضرات گرامی، قافلہ آگے بڑھایا جاتا ہے، وہ محرم الحرام 61 ہجری کو قافلہ جو ہے ایسے مقام پر پڑتا ہے جہاں پر سواری خود رک جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ کون سا مقام ہے؟ جواب ملتا ہے، اسے میدان ماریہ کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس مقام کا اس جگہ کا کوئی دوسرا نام ہے؟ جواب ملتا ہے، اسے میدان کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین علی مقام فرماتے ہیں، اپنے اپنے خیمے یہیں پر نصب کر دو، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے معصوم علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میری پیاری بہن زینب کی گود خالی ہوگی، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں تڑپ رہی ہوگی، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر قربان ہوگا، یہی وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی زبان لوٹے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں بیمار زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر پاس کے بازو عالم ہوں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میری بیٹی سکینہ یتیم ہوگی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میری پیاری بہن زینب کے ہنگے جلا جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے علی پہلے ہتھار کی لاش کو روندا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرا سر نوجوانوں کے لیے سپرد کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے جان نثاروں، یہیں پر خیمے رقم کر دو۔ حضرات گرامی، خیمے لگا دیے جاتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد ابن سعد کو حکومت کا لالچ دیتا ہے اور 22,000 لشکر کو اللہ اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں میدان کربلا میں بھیجتا ہے۔ حضرات گرامی، تاریخ میں کہیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک طرف 72 افراد ہوں اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر ہو۔ اللہ اکبر، جس 72 افراد میں وہ بھی بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں بھی ہیں، لیکن 22,000 لشکر میں سارے کے سارے نوجوان ہیں اور ہتھیار بند ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرات
गिरामी, फिर भी 22,000 का लश्कर थरथरा रहा है, मोहम्मदी शेरों को देखकर कांप रहा है, अली के शेरों को देखकर कांप रहा है। हजरत गिरामी इब्न साद कहता है, इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यजीद की बेयत कबूल कर लो, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत गिरामी हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ इब्न साद, अगर मुझे यजीद की बेयत कबूल ही करनी होती तो मैं मदीना शरीफ के बुरके फिदाओं को छोड़कर ना आता। अगर मुझे यजीद की बेयत कबूल ही करनी होती तो रोजे मुस्तफा से दूर नहीं होता। अगर मुझे यजीद की बेयत कबूल ही करनी होती तो मां के कदमों से दूर नहीं होता, भाई भाई के कदमों से दूर नहीं होता, मक्का मुअज्जमा से यहां नहीं आता, सफर की सहूलतों मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं करता। ऐ इब्न साद, यजीद जानी है, शराबी है, तार की नमाज है, बैतुल माल का खाइन है, और शख्स हुकूमत कायम करना चाहता है वो फासिक है, फाजिर है। मैं यही कहता हूँ, मैं फासिक को फाजिर के सामने कभी नहीं झुकूंगा, मेरा यजीद की बेयत से इंकार है। हजरत गिरामी, 7 मुहर्रम अल हराम तक बेयत का इंकार और इसरार का सिलसिला चलता रहा। 7 मुहर्रम अल हराम को सिमर अईन सिमर लईन जो है इब्न ज़ियाद का पैगाम लाया, ऐ इब्न साद, नहरे फरात पर सिपाहियों का पहरा लगा दो और इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे में पानी की एक बूंद भी ना जाने पाए। अल्लाहु अकबर। लेकिन हजरत इकरामी अहले बैत अतहार के अज़्म व शान वो यजीद कुत्ते जानते नहीं थे, वो नहीं जानते कि मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। हजरत गिरामी, कौसर के बाली की औलाद पर पानी बंद कर दिया गया है। अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी, यहाँ ये मत समझिए वो बेबस थे, मजबूर थे, बेख्तियार थे, उनकी अजमत और शान का ये आलम है। आप लोगों ने सुना होगा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ियां जमीन पर रगड़ दी थी तो आबे जमजम का चश्मा सारी हो गया था। ये उन्हीं की औलादों की औलाद है, ये उन्हीं की औलादों की औलाद है। हजरत गिरामी, हमारा यकीन है और अकीदा है अहले बैत अतहार का दूध पीता बच्चा भी अरबी अल्लाह अकबर। शहर के आवाज दें तो जन्नत से कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खेमे के अंदर निकल पड़े। हुसैन की तृष्णगी एक राज थी, वरना उंगली जमीन पे रख दें समंदर निकल पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुसैन का सदका अता फरमाए और हम सबके दिलों में जज्बा शहादत पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह तआला इसके आगे का बयान कल होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।